वहीं देश में धारा 370 को लेकर जहां लगातार चर्चा हो रही है और धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों में खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर से 370 35 ए को हटाए जाने के बाद फरीदाबाद में कश्मीर के विस्थापित कश्मीरी पंडितों में खुशी की लहर है। इन कश्मीरी पंडितों ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इस धारा को हटाकर अपने ही देश में रिफ्यूजी बने कश्मीरी पंडितों पर बड़ा एहसान किया है, जिसको लेकर वो सरकार का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। आपको बता दें कि जब सरकार ने ये फैसला लिया तो घाटी छोड़कर अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रह रहे इन कश्मीरी पंडितों ने 30 साल पुराने अपने अतीत को याद किया। उन्होंने कहा कि सही मायने में कश्मीर को अब आजादी मिली है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद फरीदाबाद में करीब 3 दशक पूर्व कश्मीर से आए कश्मीरी विस्थापित परिवारों में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और लोग में जश्न का माहौल है। इनका कहना है कि सही मायने में इन लोगों को आज आज़ादी मिली है, जम्मू कश्मीर आज आज़ाद हुआ है। आइए हम चलते हैं वहाँ से आए विस्थापित परिवारों से मिलने। आज हम जो है आज 30 साल के बाद यहाँ जो विस्थापित ब्राह्मण कश्मीरी पंडित जो यहाँ फरीदाबाद में रह रहे हैं, आज हम ये सोच रहे हैं वो कि आज हम हिंदुस्तान में रह के भी जो अपने आप को मेरे ख्याल में हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज जो है आज का जो ये हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे जो अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो आज डिसीजन ले लिया, इससे यह हमें लग रहा है कि आज हम 30 साल के बाद फिर से हिंदुस्तानी बन गए हैं। मुझे याद पड़ रही है वो 19 जनवरी 1990 की वो रात, जबकि हमको कहा गया कि ओ काफिरों, ओ एजेंटों, यहाँ से निकलो, कश्मीर से निकलो, हम क्या चाहते हैं इधर, ये नारे लगा के हमको निकाला गया कि भाई ओ काफिरों, ये जगह हमारी है, यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा, यहाँ पर हिंदुस्तान नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ, मगर निकलो पंडितों, यहाँ से निकलो मगर अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पर रखो। मैं आज कहता हूँ कि ये शेम है उन आदमियों के लिए जिन्होंने ये नारे कर करके हमको वहाँ से भगा दिया। एक पीड़ित फैमिली से हूँ जो 1990 में वहाँ से, जिनको माइग्रेट, मैं माइग्रेट वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, रादर हमारे को फोर्सफुली वहाँ से निकाला गया और हम अपनी ही कंट्री में एक रिफ्यूजी बन गए। ये एक ऐसा मौजज़ा कहीं भी नहीं हुआ कि आप अपनी कंट्री में एक रिफ्यूजी बन जाएंगे।